और भोपाल से खबर जहां सोशल मीडिया पर लीक हुए बोर्ड के पेपर 299 रुपए में 10वीं और 12वीं के पेपर बिक रहे हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर बोर्ड के पेपर लीक हुए 10वीं 12वीं के पेपर टेलीग्राम ग्रुप्स पर लीक हुए हैं। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जहां पर 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हुए, 12वीं का बायो का पेपर परीक्षा केंद्र में बटने से पहले ही लीक हो गया। तो देखिए, बायोलॉजी का पेपर था और बटने से पहले ही टेलीग्राम ग्रुप्स पर लीक हो गया। बंसल न्यूज हालांकि वायरल पेपर की पुष्टि नहीं करता है। तो सोशल मीडिया पर बोर्ड के पेपर लीक हुए 299 रुपए। देखिए, बोर्ड की जो परीक्षा होती है सबसे अहम मानी जाती है और उनके पेपर लीक हुए हैं, कीमत 299 रुपए। तो 10वीं और 12वीं के ये पेपर हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स पर लीक हुए। बायोलॉजी का 12वीं का पेपर था और परीक्षा केंद्र में बटने से पहले ही लीक हो गया। और चलिए इस खबर पर जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी 10वीं और 12वीं के ये पेपर थे, बोर्ड जो इतनी अहम परीक्षा मानी जाती है, सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गए? जी सूरज, आवाज आ रही है आपको? तो यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, जानकारी लेंगे उनसे। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पर ये बोर्ड के पेपर लीक हुए हैं। बंसल न्यूज हालांकि वायरल पेपर की पुष्टि नहीं करता। तो सूरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। सूरज, सोशल मीडिया पर ये बोर्ड के परीक्षाएं जो चल रही हैं उसका पेपर लीक हुआ है, बायो का बताया जा रहा है, इतना अहम परीक्षा मानी जाती है बोर्ड की, कैसे हुआ ये? देखिए, खासतौर मार्च के पहले दिन से ही परीक्षाएं शुरू हुई हैं 10वीं 12वीं की। खासतौर से 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है जब अलग अलग पेपर जो है सोशल मीडिया पर लीक होते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो परीक्षा नियंत्रक है उनका कहना है कि ये हूबहू वो पेपर नहीं है जो बोर्ड परीक्षा में बांटा गया है। लेकिन जिस तरीके से सोमवार को जब एक पेपर हुआ था उसके पहले ही खासतौर से टेलीग्राम सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म है उसमें एमपी बोर्ड पेपर के नाम से एक ग्रुप बना है जिसमें 299 रुपए देकर आप पेपर ले सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि भी हुई है, जो पेपर लीक हुआ है वो हूबहू माना गया। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल है इस मामले में क्या कार्रवाई करता है कि पहला मौका नहीं है, जब से परीक्षाएं शुरू हुई तब से 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है जब सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के मामले आ रहे हैं। तो आखिर ये किस सर्वर से होता है, किस तरीके से लीक हो रहा है या किस तरीके से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, ये बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो उसकी जांच करेगा और आखिर इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो इस पर भी ध्यान देना होगा। तो देख रही होगा, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये पेपर हूबहू वही है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो कई दावे भी किए जा रहे हैं कि हूबहू वही पेपर है जो 10वीं की परीक्षा में बांटा गया था। और ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।